इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने टर्म बुक में पेज नंबर 77 में शुड काउंटिंग इनटू इवन नंबर्स, इवन नंबर में हम लोगों ने टू टू की पेयर देखी थी, जैसे कि आपको ये टू टू सर्कल लिए हैं तो आप इसकी पेयर बना सकते हैं, ये वन पेयर, टू पेयर एंड थ्री पेयर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर, इसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ये तीनों के तीन इवन नंबर हैं। एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर में ये आपको ऐसे दिया है, आपको फाइव सर्कल दिए हैं तो फाइव सर्कल में से सिर्फ वन टू एंड थ्री, ये थ्री सर्कल आपको सिक्स सर्कल सेवन सर्कल दिए हैं तो आप इन थ्री को पेयर बना सकते हैं, ये इवन है एंड वन की पेयर नहीं है तो क्या है, वो ऑड नंबर है, जिसकी हम पेयर नहीं बना सकते हैं वो ऑड नंबर है एंड जिसकी हम पेयर बना सकते हैं वो क्या है, वो इवन नंबर है एंड जिसकी हम पेयर नहीं कर सकते वो ऑड नंबर है। अभी हम वन से टेन नंबर लिखेंगे, उसमें आपको बताना है इवन और ऑड नंबर कौन सा है। जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, ये मैंने वन से टेन नंबर्स लिखे हैं तो आपको इसमें से इवन और ऑड नंबर बताना है जिसकी टू टू की पेयर है। जीरो, जीरो इवन नंबर में ही आता है, इधर आपको टू दिया है, फोर दिया है, सिक्स दिया है और एट दिया है, तो ये सारे नंबर इसमें हम टू टू की पेयर बना सकते हैं, इफ टू तो आप टू सर्कल करके उसकी पेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट दिया है फोर तो आप फोर की पेयर बना सकते हैं टू टू की। एंड आपको दिया है फाइव, फाइव और इसकी पेयर नहीं बनेगी, इसकी सिर्फ दो ही पेयर बनेगी एंड थर्ड नंबर की नहीं बनेगी, तो वो क्या हो गया, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो गया। वैसे ही आपको वन से टेन नंबर्स में इवन और ऑड नंबर आपको बताना है, इवन और ऑड नंबर क्या है। तो फर्स्ट नंबर जीरो, जीरो है क्या है, इवन नंबर है, वन वन है वो ऑड नंबर है, क्या है, वन है वो ऑड नंबर है, टू इवन है, थ्री ऑड है, उसकी पेयर नहीं हो सकती है इसलिए ऑड है एंड फोर, फोर है वो इवन नंबर है, फाइव ये ऑड नंबर है, सिक्स इवन नंबर है, सेवन ऑड नंबर है, एट इवन नंबर है, नाइन ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। नाइन है वो क्या है, ऑड नंबर है, टेन टेन इज इवन नंबर। तो आप चेक कर सकते हैं कि 1 टू 10 में इवन नंबर एंड ऑड नंबर कौन सा है, तो 0 इवन नंबर हम लिख सकते हैं, इवन नंबर 0 2 4 6 8 एंड 10, ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये कौन से हैं, ये इवन नंबर हैं एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर में कौन से आएंगे, वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन, तो ये ऑड नंबर है, तो आप चेक कर सकते हैं इवन एंड ऑड नंबर में कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। वैसे ही आपको वन से वन
और नंबर करने हैं, तो हमें 1 से 10 नंबर में पता चल गया इवन और ऑड नंबर कौन से है। जिसकी पेयर होती है वो इवन नंबर है, पेयर यानी कि दो दो चीजें हम काउंट कर सकते हैं, एंड ऑड नंबर में दो दो की पेयर है वो नहीं हो सकती है, तो वो कौन सा नंबर हुआ, ऑड नंबर हुआ। वैसे ही हम 11, 12, 30, 40 and 50, ये आपको इधर 11, 12, 30 and 40 and 50 नंबर्स दिए हैं। इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1 है। मैंने अभी बताया था कि 1 है वो कौन सा नंबर है, 1 है वो ऑड नंबर है, बट अभी आपको इसमें 2 डिजिट में लास्ट नंबर चेक करना है, ये वाला नंबर जिसपे मैंने सर्कल किया है, आपको वो नंबर चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। जिसपे मैंने सर्कल किया है उसे आपको चेक करना है, सेकंड नंबर 2 डिजिट में आपको सेकंड नंबर चेक करना है कि वो इवन है या ऑड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर 1 है वो ऑड नंबर है, एंड नेक्स्ट आपको चेक करना है 2 डिजिट में, तो फर्स्ट नंबर है वो कौन सा है, फर्स्ट नंबर 11 है वो ऑड नंबर है, क्योंकि उसमें फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड दोनों ही ऑड है, तो वो कौन सा नंबर हुआ, ऑड नंबर हुआ। अब आपको 12 में चेक करना है, 1 to 12 में 2 है वो इवन नंबर है, तो आपको लिखना है इवन नंबर। नेक्स्ट आपको 13 दिया है, 13 में 3 है इसमें आता है ऑड नंबर में आता है, तो आपको लिखना है ऑड नंबर। तो 13 में 30 है वो कौन, 13 में 13 है वो ऑड नंबर है। 14 में 4 चेक करना है आपको 2 डिजिट में, सेकंड डिजिट चेक करना है कि 4 दिया है, तो 4 है वो क्या है, ऑड है या इवन है, वो इवन नंबर है, तो आपको लिखना है इवन नंबर। एंड 15 में आप चेक कर सकते हैं कि 5 है वो ऑड नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑड नंबर। तो ये 1 to 15 में जो हम लोगों ने सीखे ऑड नंबर और इवन नंबर, वैसे ही हमें 1 से लेके 100 तक इवन एंड ऑड नंबर सीखने हैं। जैसे कि आपको 11 2 डिजिट हो तो आपको सेकंड नंबर चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। फर्स्ट आपको याद रखना है इवन नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, इवन में 0, 2, 4, 6, 8 and 10 जो मैंने इधर लिखे हैं, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि 0, 2, 4, 6, 8 and 10 ये जो नंबर्स लिखे हैं वो इवन नंबर है। तो 2 डिजिट में आपको सिर्फ जो इवन नंबर में 1 से 10 में सीखे हैं उसमें सेकंड डिजिट चेक करना है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 10 है, तो वो इवन आएगा या ऑड आएगा, वैसे आपको चेक करना है। अगर आपको ऑड नंबर लिखने हैं ऑड नंबर में, तो आपको क्या चेक करना है, सेकंड डिजिट 1, 3, 5, 7 and 9 आपको ये इवन और ऑड नंबर में सिर्फ आपको ये याद रखना है 2, 4, 6, 8 and 10 10 यानी कि आप इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 17 तो ऑड है 17, तो वैसे ही ऑड और इवन नंबर आपको चेक करने हैं एंड लिखने हैं, क्योंकि लास्ट में 0 है इसलिए 30, 40, 50, 60, 70 है वो ऑड नंबर इवन नंबर में आते हैं। तो वैसे ही आपको अभी मैं ऑड इवन नंबर लिख रही हूँ वो आपको आपकी मैथ्स की बुक में लिखने हैं।
ये इक्वल नंबर है वो आपको आपकी मैथ की बुक में लेसन नंबर 2 हेडिंग लिखना है, फिर इवन एंड ऑड नंबर लेसन नेम लिखना है, एंड फिर आपको लिखना है इवन नंबर इवन नंबर। अब इवन नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं आपको वो चेक करना है। फर्स्ट जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो टू फोर सिक्स एट टेन। आपको आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 0 लिखना है क्योंकि वो इवन नंबर में आता है, फिर आपको 2 लिखना है, नेक्स्ट आपको क्या लिखना है 4 लिखना है, नेक्स्ट 6 लिखना है, नेक्स्ट 8 नंबर एंड नेक्स्ट 10 नंबर 0 2 4 6 8 एंड 10। ये कौन सा नंबर है? ये इवन नंबर है। नेक्स्ट 10 के बाद 11, 11 है इवन आता है या ऑड आता है? तो 11 है वो, 11 नंबर है वो ऑड नंबर है, तो 11 नहीं लिखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है 12। आपको ये नंबर चेक करना है, फर्स्ट जो इधर लिखा है वही लाइन इधर आपको लिखनी है, जैसे कि 2 है तो 12 आया, 4 है तो क्या लिखना है 14, 6 है तो 16, 8 है तो 18, इधर 10 है बट इधर आएगा 20। तो ये हमारे हुए इवन नंबर। नेक्स्ट आपको लिखना है 20 तक कंप्लीट हो गए हैं इधर। नेक्स्ट आपको लाइन चेक करनी है कि इधर कौन सी लाइन आएगी, 21 है वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ये दोनों है वो ऑड नंबर है, तो इधर हम लिखेंगे 22। कौन सी लाइन आएगी, क्योंकि 11 है वो ऑड नंबर में आता है इसलिए हमने वो नहीं लिखा है। तो आपको नेक्स्ट नंबर क्या चेक करना है, इधर 2 की लाइन है तो 22, इधर 4 है तो 24, नेक्स्ट 16 है तो कौन सा आएगा 26, 18 है तो आएगा 28। नेक्स्ट 28, नेक्स्ट कौन सा आएगा 30, 30 कौन सा आएगा 30, 30 नेक्स्ट कौन सी लाइन आएगी 31 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, एंड नेक्स्ट आएगा 32, नेक्स्ट क्या लिखेंगे 34, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट क्या लिखेंगे 38 एंड नेक्स्ट 40, 14। मैंने बताया था 10, 20, 30, 40 है वो किस में आता है, इवन नंबर में आता है। नेक्स्ट इधर कौन सी लाइन है, 32 है, 34 है, 36 है, 38 है, 14 है, तो 41 की लाइन आएगी, तो 41 है वो क्या है, 41 है वो ऑड नंबर है, तो हम लिखेंगे 42। नेक्स्ट 44, नेक्स्ट 46, नेक्स्ट 48 एंड 50। हम अभी सिर्फ 50 तक ही इवन नंबर लिखेंगे क्योंकि आपकी टर्म बुक में 100 तक इवन एंड ऑड नंबर है वो लिखने हैं, बट अभी हम इवन नंबर 0 से 50, 0 टू 15, 0 टू 15 ही लिखेंगे, ये आपको मैथ्स बुक में कंप्लीट करना है।
ये जो मैंने इवन नंबर लिखे हैं इन लोगों की टू टू की पेयर हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने इधर इवन नंबर है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपको इधर 12 दिया है। इधर मैंने ये आपको 12 दिया है तो मैंने इधर 12 सर्कल किए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि इनकी टू टू की पेयर हो सकती है। तो फर्स्ट पेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यस, तो इन दोनों की टू टू की पेयर है वो हो गई है। आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों की टू टू की पेयर हो गई है तो 12, तो आप काउंट कर सकते हैं कि 12 सर्कल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इनकी जो पेयर हो गई है तो हम उसे और इवन नंबर कह सकते हैं कि 12 है वो क्या है, इवन नंबर है। अभी हम ऑड नंबर लिखेंगे, थर्टी नाइन के बाद 40 है वो इवन में आता है, तो 41,
49 तक ही कंप्लीट करेंगे और नंबर, क्योंकि हमें 100 तक है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखने हैं। तो इवन एंड ऑड नंबर है वो 41 43 45 47 एंड 49। तो इवन ऑड नंबर है वो हमने इधर कंप्लीट किए हैं 1 to 15 तक। कहां तक कंप्लीट किए हैं? 1 to 15 तक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं इधर। नाउ हम अभी एक्सरसाइज करेंगे। Take your notebook and open this page number 78 में exercise 2.1 आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स, in pair and write up whether the numbers is odd or even। आपको इधर आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 78 पे। 78 पे आपको ग्रुप वाइज अलग अलग चीजें दी हुई हैं। फर्स्ट नंबर में आपको क्या दिया है? बनाना दिया है। तो आप उसमें चेक करो कि 2-2 की पेयर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर 2 की पेयर हो रही है यानी कि दो दो चीजें आप काउंट कर सकते हैं तो वो इवन नंबर है, एंड अगर दो दो काउंट करने के बाद अगर एक एक्स्ट्रा है तो वो ऑड नंबर है। तो आप चेक करिए कि आपको फर्स्ट नंबर ए में क्या दिया है। ए नंबर में आपको बनाना दिए हैं। क्या दिए हैं? बनाना। तो चेक करो ए नंबर में कितने बनाना हैं। तो आप चेक कर सकते हैं वन नंबर में 2-2 की पेयर काउंट करिए आप बनाना कितने हैं। 1-2 काउंट कर सकते हैं कि ये बनानास हैं तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 बनाना है कि 2-2 की ग्रुप है। कोई एक्स्ट्रा है? नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है तो 2-2 की काउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आपको ऐसे दिया है ए नंबर में ए is an blank number। आपको ऐसे दिया है। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपने बनाना काउंट किए, कितने बनाना हैं? तो 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10। कितने हैं? तो आपको 10 का स्पेलिंग लिखना है। 10 इज एन ऑड या इवन नंबर? तो इज इवन नंबर, तो आपको लिखना है इवन नंबर। 10 इज एन इवन नंबर। ये आपको आपकी टर्म बुक में कंप्लीट करना है पेज नंबर 78 में। बी नंबर में आपको क्या दिया है? बी नंबर में आपको स्पून दिए हैं तो काउंट करिए कि कितने स्पून हैं। आप स्पून नंबर चेक करो, टू नंबर में काउंट करो कितने स्पून हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड कितने हैं? 9 हैं। कितने दिए हैं? 9 स्पून है। तो आपको क्या लिखना है ब्लैंक में आंसर? तो ब्लैंक में आंसर आपको लिखना है 9 एन आई एन ई 9 का स्पेलिंग 9
क्योंकि एक एक्स्ट्रा है इसमें, इसलिए वो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो आपको लिखना है ऑड नंबर। सी नंबर में आपको कैप दी हुई है, सी नंबर में आपको क्या दिया है, कैप दी हुई है। नंबर सी नंबर में आप काउंट करिए कितनी कैप है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितनी कैप है, 8। तो हमें क्या लिखना है, 8 का स्पेलिंग लिखना है EIGHT 8 इज एन, और यह इवन नंबर 8 है वो क्या था, इवन नंबर था, तो हमें लिखना है इवन नंबर। डी नंबर में आपको क्या दिया है, डी नंबर में आपको फ्लावर्स दिए हैं, तो आप काउंट करिए फ्लावर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 11 11 11 ऑड है या इवन नंबर है, तो 11 इज ऑड नंबर, तो ब्लैंक में आंसर लिखना है ऑड नंबर। नेक्स्ट डी नंबर, ई नंबर, नेक्स्ट ई नंबर में आप लीव, आपको क्या दिया है लीव, तो आप काउंट कर सकते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कितनी है, 15। तो आंसर क्या लिखना है, 15 FIFTEEN 15 एंड 15 इज ऑड या इवन, आंसर इज ऑड नंबर, तो आपको लिखना है ऑड नंबर। एंड स्टूडेंट ये आपको पेज नंबर 79 में कंप्लीट करना है, एंड आपका होमवर्क है Thank you.